हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक आपका अनदर वीडियो में। और आज जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांसफ़र क्लेम के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम अगर हमारा जो हम अगर अपना ट्रांसफ़र क्लेम कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो ट्रांसफ़र क्लेम है वो तभी ऑटो हो पाएगा। यानी कि आपको कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना होता, क्योंकि बेसिकली हमें फॉर्म नंबर 11 सबमिट करवाना होता है अपने प्रीवियस पीएफ को प्रेजेंट पीएफ में ऐड करने के लिए। बट अभी जो है गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ये कर दिया था कि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपका जो पीएफ का जो पैसा है वो आपके करंट पीएफ के अकाउंट में मर्ज हो जाए। सो गाइज, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कुछ अपडेट्स कि जो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक पीएफ को दूसरे पीएफ में मर्ज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे अपार में लिखा आ रहा है कि फॉलोइंग ट्रांसफर क्लेम विल बी ऑटो इनिशिएट अपॉन अप्रूवल ऑफ दिस पीडीएफ बाय द एम्प्लॉयर। एंड आप नीचे देख सकते हैं द अबव ट्रांसफर क्लेम विल बी ऑटो इनिशिएटेड अपॉन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि आप अपने ट्रांसफर क्लेम को कैसे ऑटो इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइस, पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ एग्जिट इज अवेलेबल। यानी कि प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट का आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ एग्जिट का क्या रीजन है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। पहली कंडीशंस आपकी यहां पर फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशंस ये कि ऑल प्रीवियस मेंबर आईडी अगेंस्ट लिंकिंग यूएन शुड हैव डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल। यानी कि प्रीवियस मेंबर की जो आईडी है और जो आप अपने यूएन के साथ लिंक करवा रहे हैं उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। सेकेंड नंबर पॉइंट, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर UAN इज एक्टिवेटेड एंड मोबाइल नंबर इज अवेलेबल। यानी कि आपका UAN नंबर जो है वो आपका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ उसमें आपका जो करंटली आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं करा है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपना UAN एक्टिवेट कीजिए और मोबाइल नंबर भी अपना अपडेट आप करने का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। सो गाइज, फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते लेते हैं यहां पर प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफओ इज लेस देन करंट डेट। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और प्रीवियस एम्प्लॉयर की और जो करंट डेट है वो आपकी जो है वो लेस होनी चाहिए। सेम प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ इज 1 जनवरी 1952 से आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। एंड प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड मेंबर डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी मेंबर डेट ऑफ बर्थ कम होनी चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी बड़ी होनी चाहिए। आप जैसे समझ रहे होंगे इसमें आपको जैसे लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर का मीनिंग आपको पता ही होगा। बट एंड उसी में ही आपका सेम चीज़ लिखी गई कि प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग और करंट डेट आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए। एंड प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रीवियस डेट ऑफ एग्जिट इज लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट सॉरी एंड प्रीवियस प्रेजेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जैसे लिखा गया है ECR कंटेनिंग द मेंबर कंट्रीब्यूशन इज रिकनसाइल्ड द यूनिफाइड पोर्टल। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके जो ECR में जो आपका जो कंट्रीब्यूशन और यूनिफाइड पोर्टल पर जो है आपका जो है वो मैच होना चाहिए, जो कंट्रीब्यूशंस है उसे रिकनसाइल होना चाहिए यूनिफाइड पोर्टल पर। एंड सिक्स पॉइंट आप देख सकते हैं कि मेंबर ID शुड बी अवेलेबल इन फील्ड ऑफिस PDB। यानी कि ये कि आपका जो मेंबर आईडी है वो आपके फील्ड ऑफिस प्रोग्राम डेटाबेस में अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि जो जो आपके नियरेस्ट जो प्रोग्राम डेटाबेस होगा फील्ड ऑफिस का उसमें आपकी जो मेंबर आईडी वो अवेलेबल होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट कंडीशंस ये आपकी अकाउंट की होनी बहुत ज़रूरी है। एंड सेवन पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट इज़ नॉट सबमिटेड फॉर मेंशन अकाउंट एज़ पर यूनिफाइड पोर्टल डेटाबेस। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो आपके मेंशन अकाउंट हैं उसमें किसी भी तरह की कोई जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो सबमिट ना की गई हो, है ना, तो ही आपका जो है ऑटो जो ट्रांसफ़र क्लेम है वो हो पाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये जो सेवन्थ कंडीशंस मैंने आपको बताई आई थिंक आपको समझ में आई होगी। और इन केस आप ये सेवन्थ
फिलफिल करते हैं, आपकी जो कंडीशंस मैंने आपको बताया, अगर आप फिलफिल करते हो तो आपकी ऑटो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है वो खुद इनिशिएट हो जाएगी। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा गया है, इट इज़ हियर बाय सर्टिफाइड दैट फॉर्म 11 डुअल फील्ड एंड काउंटर साइड बाय द एम्प्लॉय हैज़ बीन टेकन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर UAN लिंकिंग इज एज पर फॉर्म 11। यानी कि ये बात प्रमाणित करती है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो जानकारी है वो फॉर्म 11 जो लिंकिंग है आपके UAN के साथ उसके द्वारा ले ली गई है। एंड सेकेंड नोट ये है कि यू कैन स्टॉप जनरेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफर क्लेम विद इन 10 डेज एट यूनिफाइड पोर्टल epfo.gov.in epfo इफ सफिशियंट एंड वैलिड रीजन आर अवेलेबल टू डो सो। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑटो ट्रांसफर क्लेम को है वो 10 डेज के अंदर रोक सकते हैं, और इनकेस आपको कोई चीज़ जो है अगर आपको वैलिड रीज़न आपको नहीं लगता है। एंड एक बात आपको और बता दूं कि जब भी आपकी आप किसी नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस कंपनी का जो डेटा है वो नई कंपनी में जब भी आपका ऑटो ट्रांसफ़र क्लेम की जो रिक्वेस्ट है उससे पहले आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर में है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है और उसमें प्रॉपर लिखा गया होता है कि जो यह नोट आप देख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफ़र क्लेम का जो 10 डेज में आप उसे स्टॉप कर सकते हैं उसकी एक रिक्वेस्ट आपके मोबाइल में भी आती है, आपको एक इंटीमेशन दी जाती है कि आपका ऑटो ट्रांसफ़र क्लेम जो है वो हो रहा है, अगर आप उसे कोई वैलिड रीज़न नहीं लगता है तो आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, यूनिफाइड पोर्टल में जाके आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये कंडीशंस समझ में आई होगी कि अगली बारी इन केस आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर आप PF ट्रांसफ़र करने जा रहे हो तो ऑटो ट्रांसफ़र क्लेम की अगर आपकी कंडीशंस ये फुलफ़िल होती है तो आपका ऑटो क्लेम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन केस आपकी इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।